हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहम्मद भारमल। आज से हम न्यू लाइब्रेरी फंक्शन सब स्टार्ट करने वाले हैं। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वेरिएबल्स के कुछ फंक्शंस, और आज का जो फर्स्ट फंक्शन है प्रिंट अंडरस्कोर आर। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉलर ए लिख देता हूँ, ठीक है, और उसमें कुछ वैल्यू एज्यूम कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने 10 लिखा, और यहाँ पर इको करके डॉलर ए की जो कुछ भी वैल्यू है मैं सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले कर पाऊँगा। चलो रिफ्रेश करके बता देता हूँ। देखिए, ये 10 इंटीजर टाइप का है और ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसी वेरिएबल को मैं अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये डायरेक्टली स्ट्रिंग टाइप में 10 डिस्प्ले हो गया। और इसके साथ मुझे कोई भी अगर कॉन्केट मैसेज करवाना है तो विद हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर यहाँ पे मैं करवा सकता हूँ। वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डॉट की साइन से दोनों चीज़ यहाँ पे मैं स्टार्ट साथ में डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो ये इको तो हम पहले से यूज़ करते हैं, लेकिन अब इसी वेरिएबल को मान लीजिए ये एरे में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। ये एरे की 10 फर्स्ट वैल्यू हो गई और दूसरी वैल्यू मेरे एज अ स्ट्रिंग, मैंने दोनों वैल्यू स्ट्रिंग स्पेसिफाई की। अब ये सेकेंड वैल्यू 20 हो गई। अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल तो ठीक से मैसेज हुआ, लेकिन साथ में नोटिस आई कि ये भाई इको जो कुछ भी है ना वो साथ में एरे को डिस्प्ले नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको कंपलसरी प्रिंट अंडरस्कोर आर लाइब्रेरी फंक्शन का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट अंडरस्कोर आर लिख के डॉलर ए को पूरा का पूरा अगर मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो इको से जो नहीं हुआ था अगर वो भी मैं करवाना चाहता हूँ तो वो भी करवा पाऊँगा। तो वो कैसे करवा पाऊँगा तो वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे इको से अगर कोई भी वैल्यू एरे की डिस्प्ले करवानी है तो मुझे यहाँ पे उसकी स्पेसिफिक की लिखनी पड़ती है, तभी वो जो एरे कन्वर्जन की जो एरर थी ना वो निकल जाएगी। फिर से प्रिंट अंडरस्कोर आर में आ जाता हूँ। ओके, मुझे फिर से टाइप करना पड़ेगा प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर ए। तो आप सोच रहे होंगे ये तो एरे की बात हुई, अगर दूसरा कोई भी वेरिएबल हुआ तो ये क्या होगा। तो फिर से उसी कुछ सीरीज़ को रिपीट करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 लिखा तो देखिए यहाँ पे 10 आउटपुट में आ गया। डबल कोट्स में इसे लिखा तो ये डबल कोट्स में आ जाएगा। मल्टीपल्स वैल्यू जैसे कि अभी थी, मैं फिर से करके बता देता हूँ, 10 और उसकी दूसरी वैल्यूज़ यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूँ 20, तो भी उसकी सभी वैल्यूज़ यहाँ पे ये जीरोथ की है उसमें 10 स्टोर हुआ है, ये सेकंड की फर्स्ट नंबर की है उसमें 20 स्टोर हो गया। तो ये सभी वैल्यूज़ को ये डिस्प्ले कर देगा। लेकिन इको का जो एडवांटेज था इसका एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है, अगर वेरिएबल के साथ कोई भी आप एक्स्ट्रा मैसेज दिखाना चाहते हैं तो इसमें नहीं पॉसिबल होगा। जैसे कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ ऐसा मैंने लिखा डॉट साइन की, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए एरे टू स्ट्रिंग से कन्वर्जन की वाली जो कुछ भी पुरानी वाली एरर थी वो यहाँ पे मुझे फिर से मिल गए। तो दोनों स्टेटमेंट जो कुछ भी थे इको और प्रिंट अंडरस्कोर एक का एडवांटेज है, वो दूसरा का डिसएडवांटेज है। दूसरे का जो डिसएडवांटेज है वो पहले का, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो पहले का एडवांटेज हो जाएगा। तो इस मुताबिक प्रिंट अंडरस्कोर पूरे का पूरा वर्क करता है। ज़्यादातर लोग एरे को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई भी स्ट्रिंग और वेरिएबल पे वर्कआउट करना होता है 90% जो डेवलपर्स जो कुछ भी होते हैं, 90 नहीं लेकिन 95% लोग इको के ही हेल्प लेता है। दूसरा भी लाइब्रेरी फंक्शन आता है प्रिंट आता है, प्रिंट एफ आता है, कुछ लोग प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग ऑन यू देयर हैबिट, ठीक है, उसका कोई डिफरेंस नहीं है, है लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं है। चलो नेक्स्ट लाइब्रेरी फंक्शन में मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। नेक्स्ट लाइब्रेरी फंक्शन है वेरिएबल डम्प। तो सबसे पहले तो मैं फिर से दूसरा एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग फॉर टेस्ट। चलो ऐसे मैंने कुछ इसमें स्ट्रिंग स्टोर किए, यहाँ पे मेरे ब्राउज़र में आके उसी प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। वेरिएबल डम्प में कुछ आउटपुट में नहीं आया, ओके यहाँ मैंने लिखा ही नहीं वेरिएबल अंडरस्कोर डम्प, तो कहाँ से आउटपुट में आएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग का जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे मुझे पूरी की पूरी मिल गई। सबसे पहले तो उसके मुझे डेटा टाइप मिल गए, उसके नंबर्स ऑफ कैरेक्टर 15 से वो भी मुझे मिल गया, और एक्चुअल उसके स्ट्रिंग क्या है स्ट्रिंग फॉर टेस्ट वो भी मुझे पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर मिल गई। ये तो स्ट्रिंग की बात हुई, अगर मान लो कोई भी वेरिएबल दूसरी टाइप का है तो उसका क्या होता। तो आप मान लो उसमें कुछ मैंने नंबर स्टोर कर दिया, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी वेरिएबल के डेटा टाइप इंटीजर है और उसकी वैल्यू है 1254।
दूसरी कोई भी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल की टाइप फ्लोट है और उसकी वैल्यू है 125441, तो उस मुताबिक वेरिएबल की डेटा टाइप और उसकी एक्चुअल वैल्यू दोनों मुझे साथ में डिस्प्ले करवानी है, तो वो मैं करवा सकता हूँ। कॉमन डेटा टाइप्स क्या है, हमारी स्ट्रिंग होती है, इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, और अभी थोड़ी देर पहले कहा और हमने चीज़ की थी वो थी एरे, तो इसे मैं एरे में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसे मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेरिएबल एरे है, इसमें इन टोटल 4 वैल्यूज़ है। फर्स्ट वैल्यू 0 में वो है फ्लोट डेटा टाइप की, उसकी एक्चुअल वैल्यू ये वाली है। ये सेकंड की है, उसकी डेटा टाइप है इंटीजर, उसकी वैल्यू है 45। ये थर्ड की है, उसमें जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, उसकी वैल्यू है 78। ये फोर्थ की हुई, उसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है और एक्चुअल वैल्यू है वो है 54। तो उस मुताबिक वेरिएबल डम इंटीजर में भी, स्ट्रिंग में भी, फ्लॉट में या फिर डबल में या फिर बुलियन में भी ठीक से ये वर्क करता है। तो आज के वीडियो के ये सिर्फ 2 लाइब्रेरी फंक्शंस थे, आगे का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर देखना। ज़रूर देखने के लिए आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, सब्सक्राइब द बेल आइकॉन, जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नया सीखा है कुछ भी तो लाइक कर दीजिए, लेकिन ये आपको वीडियो को शेयर तो करना ही है। जितना नॉलेज आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे उतना ही नॉलेज आपका ज़्यादा होगा। यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।